कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन मंडे और आज है होई अष्टमी। तो आप सभी को होई की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नहा ली हूँ, मेरा व्रत है आज। हमारे यहाँ होई अष्टमी करते हैं, बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग नहीं भी करते हैं, तो ये शायद 50-50 है दोनों का। तो मैं भी नहा ली हूँ, मैंने भी तैयार नहीं हुई हूँ। मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा मन नहीं है आज, मतलब बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जुखाम, गला दर्द कर रहा है। नहा ली हूँ, नहा के ना और भी ज़्यादा वो हो गया, एकदम छींक के आने लगी है। तो मैं भी पहले बाल सुखाऊंगी बाहर धूप में जाके, और इसको मुझे साफ़ करनी है। देखो, होई माता को ये हम आज के दिन पहनते हैं। इसमें ना ये मोती चढ़ाते हैं, दो चांदी के, हर साल लड़कों के लिए रखते हैं ये, जब लड़के हो जाते हैं ना तो इसमें ये मोती डालने शुरू कर देते हैं। तो इससे ना हमें अपने बच्चे की उम्र का भी पता चल जाता है। ये हर साल मोती डालते हैं। तो मैं ना अभी इसे साफ़ करूँगी। तो चलो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ और तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। मैंने ना अपनी पायल भी ले ली है, मैं होई माता को साफ़ करने जा रही थी, फिर मैंने सोचा चलो पायल भी डाल लेती हूँ। तो देखिए, मैंने ना गैस पे पानी रख दिया है उबलने के लिए और इसमें डाल दी है, और इसमें ना मैंने एक शैम्पू डाला है। इससे ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। किनी प्लस मैंने शैम्पू लिया था, तो बस अब मैंने इनको ब्रश से कर दूँगी हल्का सा, और ये देखिए साफ़ हो जाएगी। जो अच्छी चांदी है वो हो जाती है, जो वैसी चांदी है ना तो वे देखो वो नहीं हुई है। तो मैंने थोड़ी देर बाहर बैठ गई थी धूप में आके, क्योंकि मुझे ना नहाने के बाद बहुत ज़्यादा जुखाम सा हो, एकदम छींके आने। मेकअप मैंने पूरा कर लिया है अपना, मांग रह गई अभी भरने के लिए। मैंने हेयर स्टाइल बनाया था ना, तो अब सूखा सिंदूर लगाऊंगी और ज्वेलरी पहन लेती हूँ। नाक के मोती सोच रही हूँ चेंज कर लूँ, कॉफी कलर का है मेरी साड़ी, देखती हूँ है कि नहीं है कॉफी कलर। ये निकला है, ये वाला लगाती हूँ, देखती हूँ लगा के कैसा लगेगा। इसके ना बहुत सारे मोती है, जो भी आप कपड़ा पहनो वो चेंज कर सकते हैं। तो चलो मैं ना चूड़ी डाल लेती हूँ अपनी, चूड़ी भी मेरी घर से ही हो गई है। ये देखो, ये वाली चूड़ी डाल लूँगी और ये कड़े लगा लूँगी इसमें अपने, ये वाले चूड़े के साथ के, और ये ऐसे चूड़े पहन लूँगी। अभी ना मैंने साड़ी नहीं डाली है, साड़ी में सबसे बाद में डालूंगी। ये देखो मैच हो गई एकदम चूड़ी। कॉफी कलर का मोती लगा लिया है मैंने, पता नहीं अच्छा लग रहा होगा या नहीं, लगा तो लिया है मैंने, मांग भर लेती हूँ बस। देखिए साड़ी मैंने बांध ली है, मैं सोच रही हूँ फ्री पल्ला करूँ कि कैसा करूँ। गोल्डन ब्लाउज डाला है मैंने इसमें, आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लग रही है भाई। देखती हूँ पल्ला, फ्री पल्ला करके तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि काम भी करना है, खाना भी बनाना है, तो मैं इसका ना पल्ला वैसा ही बना लेती हूँ। वैसे फ्री पल्ला इसका अच्छा लगेगा, है ना गोलू? कैसी लग रही है बता। देखिए मैं ना पूरा तैयार हो गई हूँ, और अभी ना हम कहानी सुनने जाएंगे। इसमें भी ना ऐसे ही करवा चौथ की तरह कहानी सुनते हैं, और कहानी सुनने के बाद ना हम पानी चाय पी लेते हैं। चाय तो वैसे दूध कहते हैं ना, कि दूध पूत एक होता है, तो दूध नहीं यूज़ करते, लेकिन आज के उसमें कौन काली चाय पीता है, तो दूध की चाय हल्का सा दूध डाल के बना लेते हैं। और आज के दिन ना हम चक्कू से कुछ भी काटा पीटी नहीं करते हैं, आज के दिन चक्कू का यूज़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। सब्जी वब्जी जो कोई काटेंगे ना, तो जेंट्स ही काटेंगे आज। तो ये आएंगे दोपहर में, तो मैं इनसे सब्जी कटवा लूँगी। और ये देखिए मेरा कुछ लुक, साड़ी अभी कोई है नहीं नीचे से बल्ब बिठाने वाला, तो मुझे दिक्कत हो रही है। अभी मैं छत पे जाऊंगी ना, तो बल्ब बिठवाऊंगी आराम से। और ये देखो अभी ना मुझे तगड़ी भी लगानी है यहाँ पे,
तो आप लोग कमेंट करके बताना। मेरी मैं सारी कहानी सुनने जा रही हूँ, फिर आके चाय वाय बनाऊंगी और पानी पीऊंगी। दवाई लेने थी मुझे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बुखार सा हो रहा है, तो देखती हूँ दवाई तो लूँगी या नहीं लूँगी, लेकिन पानी पी लूँगी कहानी सुन के। गला बहुत ज़्यादा पक रहा है, तो चलो मैं चलती हूँ छत पर, तगड़ी लगवा लेती हूँ, कोई आ जाए तो। तगड़ी भी नहीं लग रही, मेरे से पीछे बांधा नहीं जा रहा। आज ना गोलू मेरे नेल पेंट लगा रहा है, कह रहा मैं मम्मी मैं आपके नेल पेंट लगाऊंगा, गंदे मत कर देना। रहने दो भैया, ला मैं लगा लूंगी, बस हो गया, अब मैं लगा लूंगी। गंदा कर दिया, ला दे दो। नहीं नहीं मैं लगाऊंगा, बस। गोल में जल्दी दे दे, देख कितने बज गए, सवा बज रहा है। दो ऐसे लगाते हैं, ऊपर से लेके लगा नीचे तक का। मैं ना कहानी सुनने जा रही हूँ, देखो लोटा ले लिया है पानी का, और अब चलते हैं कहानी सुनने, देखते हैं वहाँ कौन बनाएगा वीडियो, कोई बच्चा मिल गया तो बना लूंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। परी चले, चली गई मीनाक्षी नहीं? तो देखिए गाइज, हम आ गए हैं कहानी सुनने, और यहाँ ना मैं धूप बत्ती जला रही हूँ, और एक हाथ में चावल थे ना, तो जलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। एक हाथ में दोबड़ा और चावल लेके हाथ में ना कहानी सुनते हैं, और फिर उसको ना कहानी सुनने के बाद पल्ले में बांध लेते हैं, फिर उसको ना शाम को जब तारे को अर्क देंगे हम, फिर उसको पानी में डाल लेंगे। तो देखिए कहानी सुन ली है, बस जल चढ़ा देंगे, तुलसी माता को भी चढ़ा देते हैं और सूरज को भी चढ़ा देते थे। जहाँ हम पहले रहते थे ना, वहाँ तो हम सूरज को चढ़ाते थे, लेकिन यहाँ सब तुलसी माता को ही चढ़ाते हैं। तो देखिए बस सबके पैर छू लेंगे कहानी सुनने के बाद, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो देखिए गाइस, कहानी सुनने के आने के बाद मौसम बहुत तेज ख़राब हो गया था, तो पटाखे फैला रखे थे ऊपर, पटाखे इकट्ठा किए मैंने, और फिर मैंने चाय बना ली है। तो मैं ना यहाँ चाय और मूंगफली खा रही हूँ। तो बस देखिए ये सब्जी काट रहे हैं, दोपहर का टाइम, दोपहर का क्या शाम का ही टाइम हो गया था, तो मैंने इनसे सारी सब्जी कटवा ली है, जो जो सब्जी काटने की थी। मिक्स वेज बनाऊंगी मैं खाने में, और अब मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ शाम के टाइम की। सब्जी छोंक दी है मैंने, और यहाँ ना मैं धोई का धागा बदल रही हूँ। इसका धागा बदलते हैं हर साल, और इसमें एक एक मोती डालते हैं, बस वही मैं इसके साथ करवा रही हूँ। एक जने को ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसे करने में। तो देखिए मैंने अपना हलवा भी बना लिया है, थोड़ा सा हलवा बनाया है, और मिक्स वेज बनाई है, और पूरी और रायता आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी खाने में। तो देखिए आटा लगा के रख दूंगी, और सब्जी मेरी बन गई है, हरा धनिया डाल दूंगी सब्जी में, और फिर जाके बस पूरी बना के ना मैं पूज दूंगी, फिर बच्चे खाना खा लेंगे, और जब चांद निकलेगा ना फिर मैं व्रत खोल लूंगी। तो देखिए पूरी मैं सेक रही हूँ यहाँ पे, और फिर मैं निकाल दूंगी बाना, जिनको हम देते हैं उनके लिए। मम्मी के लिए मैंने सूखा सामान रख लिया था पूजने के नाम का, और दो पूरी हलवा ले लिया था वो भोग लगाने को। तो देखिए बस ऐसे ही हमारे पूजा करते हैं, जैसे करवा चौथ की करते हैं ना, वैसे ही होई की भी करते हैं। तो देखिए होई माता को पहले सौ माता पहना देते हैं, फिर हम बाद में पहनते हैं, और ये ना सूखा सामान है, इसमें सारा दाल चावल आटा बूरा हम मम्मी के लिए है, पूज दिया है मैंने, जो पूजा का काम है ना वो कर दिया है। अभी जब तारे निकलेंगे तो तारे को अर्क दे के फिर व्रत खुलेगा। और ये देखो आज ना गर्मी इतनी लग रही है काम करते करते बहुत ही ज़्यादा, तो बस बर्थ खोल लूँगी। तारे तो जल्दी निकल जाते हैं, ये वाला बर्थ तो इतना कठिन नहीं होता,
तारे को देख के हम बर्थ खोल लेंगे। पूछ दिया है बच्चे, देखो खाना खाने में लगे हैं। खाना खा लिया है मैंने, टाइम हो गया कितने 7 बज रहे हैं। एक ही तारा देखा था बस, उसी की पूजा की है। और ये देखो मैंने ना होई माता पहन ली है पूजा करके। अब इसको ना बोलते तो है दिवाली तक का पहननी पड़ती है, लेकिन दिवाली तक का नहीं पहनी जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इससे, चुभती है ये। तो देखिए, और एक एक करके ना ऐसे ही सारे त्यौहार चले जा रहे हैं। करवा चौथ भी चले गए, होई भी चली गई, अब रहेगी दीपावली, तो बस फिर सब त्यौहार ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए गाइज, इस वीडियो का मैं अब एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।